आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे जिसमें आप सभी प्रकार के कोडिंग कर सकते हो, HTML कोडिंग कर सकते हो, जावा कर सकते हो, पाइथन, C++ एंड ऑल टाइप्स ऑफ कोडिंग सिर्फ एक एप्लीकेशंस में। तो आइए इसके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जानते हैं गाइस। तो विजुअल कोड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर में सर्च करना है विजुअल VS कोड डाउनलोड। ओपन में वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड विजुअल कोड, जिसको विजुअल स्टूडियो कोड भी बोला जाता है, फॉर मैक, लिनक्स एंड विंडोज। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करने को दे रहा है, लिनक्स के लिए दे रहा है एंड मैक के लिए दे रहा है। आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम के लिए आप चूज कर सकते हो। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। आप लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हो और इसकी यूज कर सकते हो। आप पाइथन के लिए, C++ के लिए, एक्सटेंशंस पैक, जावा के लिए एंड GitHub पायलट के लिए, एंड आप इसमें वेब डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो फाइनली हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है। इसको मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ और मैं फाइल से भी जाकर ओपन कर सकता हूँ। फाइल में आपको देगा डाउनलोड ऑप्शन में, जैसे ही आप अपने डाउनलोड ऑप्शन में जाते हो यहाँ पे देखो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ से ओपन करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखी है अपने सिस्टम में, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको रन कर सकता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से ये परमिशन देगा, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल शो कर रहा है, यहाँ से मैं इसको परमिशन दे दूँगा। तो फाइनली एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो अब आ गया है हमारे स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा और मैं इसको पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, इसमें मैंने कुछ प्रोग्रामिंग भी कर रखी है। सबसे पहले इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इसमें फाइल फोल्डर क्रिएट करनी होती है। इट मीन्स कि अगर आप HTML का प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप HTML के सभी प्रोग्रामिंग करके रखना चाहते हो। जैसे मैंने एक लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हो टाइगर HTML की फोल्डर बना रखी है, जिसमें मैं HTML से रिलेटेड सभी प्रोग्रामिंग मैंने कर रखा है। और इसके अंदर मैंने टाइगर पाइथन नाम का भी एक फोल्डर बना रखा है, जिसमें मैं पाइथन का कोड है, जिसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। कोई भी आपको प्रोग्राम रन करने के लिए उसको पहले उसके एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करना होता है। जैसे पाइथन है तो .py के नाम से सेव करना होगा आपको, तभी वो प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। और HTML है तो .html के साथ आपको सेव करना होगा, तभी प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये HTML का प्रोग्रामिंग है, इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये जस्ट एक वेबसाइट क्रिएशन का है, देख सकते हो इसमें आपको वेबसाइट दिखने का मिल जाएगा, इसमें मैंने वेबसाइट डिजाइन कर रखा है। तो इस तरीके से आप विजुअल कोड इंस्टॉल करके जो भी प्रोग्रामिंग करना चाहो इसमें कर सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग इसमें होती है, सिर्फ उसको फाइल एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करना होता है। जैसे पाइथन का .py होता है, C++ का .cpp होता है और C का .c। तो इस तरीके से फाइल एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करके आप सभी प्रोग्राम रन कर सकते हो।